आज इस मॉडल की मदद से हम राहु और केतु की खगोलीय स्थिति के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंडों को ग्रह कहते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ज्योतिष के अनुसार ग्रह की परिभाषा थोड़ी अलग है। भारतीय ज्योतिष और पौराणिक कथाओं में 9 ग्रह गिने जाते हैं: सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु। ये 9 ग्रहों में से राहु और केतु, ये ग्रह हमारे सौरमंडल में प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं है, बल्कि यह एक स्थिति है। ये स्थिति क्या है, ये जानने के लिए पहले थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। जैसा कि आपको पता होगा कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है और पृथ्वी चंद्रमा के साथ सूर्य का। जिस निश्चित पथ पर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे पृथ्वी की कक्षा कहा जाता है, और जिस निश्चित पथ पर चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसे चंद्रमा की कक्षा कहा जाता है। लेकिन दोनों कक्षाओं का प्लेन या सतह एक नहीं है, दोनों के बीच लगभग 5 डिग्री का कोण बनता है। अमावस्या तब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है, और पूर्णिमा तब होती है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है। अब जानेंगे कि राहु और केतु कौन सी स्थिति है। समझने में आसानी हो इसलिए ये मॉडल में पृथ्वी को स्थिर और सीधा रखा है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। ये छोटा सा मोती हमारा चंद्रमा है। ये दो बिंदुओं को सफेद और लाल टेप से निशान करेंगे। पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षा इन्हीं दो बिंदुओं में कटती है। ये डिस्क पृथ्वी और सूर्य का प्लेन या सतह है ऐसा समझते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए कभी पृथ्वी सूर्य के प्रतल से नीचे रहता है या कभी ऊपर, लेकिन सिर्फ दो बिंदुओं के सिवा। जब चंद्रमा अपनी कक्षा से नीचे उतरते समय जिस बिंदु पर पृथ्वी की कक्षा को काटता है वह केतु है। अंग्रेजी में केतु की स्थिति को साउथ लूनर नोड ऐसा कहते हैं। लाल लाइन केतु बिंदु को दर्शाती है। जब चंद्रमा की कक्षा ऊपर चढ़ते हुए पृथ्वी की कक्षा को काटती है तो उसे राहु कहा जाता है। सफेद लाइन राहु बिंदु को दर्शाती है। अंग्रेजी में इसे नॉर्थ लूनर नोड कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष में इन्हीं दो बिंदुओं को महत्वपूर्ण छाया ग्रह यानी शैडो प्लैनेट माना गया है। चंद्रमा अगर अपनी कक्षा में राहु या केतु के बिंदु पर या उस बिंदु के आसपास हो तो ग्रहण होता है। क्योंकि दोनों प्लेन में 5 डिग्री का अंतर है इसलिए ऐसा हर बार नहीं होता। मान लीजिए कि पूर्णिमा का दिन है लेकिन तीनों पिंड एक सतह में नहीं है, तो धरती की छाया चांद पर नहीं पड़ेगी, ऊपर नीचे या इधर उधर छाया पड़ेगी और चंद्र ग्रहण नहीं होगा। जब चांद राहु या केतु के स्थान होता है तब यह दोनों कक्षा के प्लेन में एक साथ होता है और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक ही सतह में होते हैं। तब अगर पूर्णिमा या अमावस्या हो तो तभी ग्रहण होगा।
अब चंद्रमा की कक्षा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह कक्षा भी घूमती रहती है जैसी पृथ्वी अपने आस के चक्कर काटती है, लेकिन यह बहुत ही धीमी गति से होता है। यहाँ पर एक सफेद निशान लगाएंगे जिससे पता चलेगा कि राहु का बिंदु कितना आगे गया। पृथ्वी का पूरा चक्कर काटने पर एक साल हो गया। इसी एक साल में राहु का बिंदु करीबन 20 डिग्री से आगे घूमता है। हर साल लगभग 20 डिग्री आगे बढ़ता हुआ ये 18 साल में उसी जगह पर फिर से वापस आता है। कक्षा की ये गति को और अच्छी तरह देखने के लिए मॉडल को बाजू में निकालते हैं। इस गियर को हाथ से घुमाएंगे। राहु के ऐसे एक चक्कर काटने में वो सूर्य से 19 बार मिलता है। अगर इस वक्त चांद मौजूद हो तो ग्रहण होगा। कक्षा का घूमना क्लॉकवाइज यानी घड़ी के कांटे समान और चंद्रमा का घूमना एंटी क्लॉकवाइज। आशा करता हूं कि मॉडल की मदद से राहु और केतु की खगोलीय स्थिति, ग्रहणों से उनका रिश्ता सरल तरीके से बता पाया। धन्यवाद।